देना नहीं चाहती थी मैं यह जवाब, नहीं पहुंचना चाहती थी उस जवाब तक मैं, लेकिन अब लगता है देना पड़ेगा। तो तुम दोनों मानती हो कि जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, उसका जिम्मेदार कृष्णा है, गुनहगार कृष्णा है? हाँ। ठीक है, फिर मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पापा और कृष्णा की माँ एक दूसरे से मिलते ही नहीं, तो क्या कृष्णा तुम्हारे घर में आता? नहीं आता। तो तुम्हारी प्रॉब्लम कृष्णा के हमारे घर में आने से शुरू नहीं होती है आस्था। ये प्रॉब्लम तुम्हारे पापा और कृष्णा की माँ के मिलने से शुरू होती है। बेटा, तुम्हारे पापा और कृष्णा की माँ मेरे और तुम्हारे पापा के मिलने से पहले, हमारी शादी से पहले एक दूसरे से मिले थे, तब से एक दूसरे को जानते थे। तो अगर तुम्हारे पापा की शादी कृष्णा की माँ से हो गई होती तो आज ना मैं यहां होती और ना ही तुम दोनों। तो इस सब में अगर कोई जिम्मेदार है, कोई दोषी है, कोई गुनहगार है, तो सिर्फ सिर्फ तुम्हारे पापा है। देखो, तुम दोनों किसी को भी दोषी मत मानना। जो हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो सामने है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए और यहां से आगे बढ़ना चाहिए। और बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए रिश्तों की उलझनों को समझने के लिए अपनी मम्मा का कहना मानो और ये मान लो कि एक न एक दिन तुम सबको ये बातें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। जो मैं समझा रही हूं अगर समझ में आ गया है तो आज से, अभी से कृष्णा को गुनहगार मानना बंद कर दो। और अगर नहीं समझ में आया है तो हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तुम दोनों समझ ना जाओ। लो बेटा, इसे भी काट दो। लो। अच्छा, तुम कैंची लाओ, हम खुद इन्हें काट देते हैं। अरे अम्मा, तुम तो बेकार में बात को तूल दे रही हो। हैं? हम लोग तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं कि जरा सी भी कोई बात हुई और चिढ़ के तुम्हारी चप्पल काट दे। अरे बात तो समझो ना कि भैया क्या कहना चाह रहा है। अरविंद बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन वो आप दोनों से बहुत प्यार करता है, बहुत उम्मीदें हैं उसे आपसे, इसीलिए बेचारा गुस्से में आकर ये सब कर रहा है। अच्छा बाबूजी, वो बेचारा आपसे क्या चाहता है? सिर्फ यही तो चाहता है कि उसकी परेशानी में, दुख दर्द में आप लोग साथ दें और यशोदा का साथ छोड़ दें। बाबूजी, अगर यशोदा से दूर नहीं रह सकते हैं तो कम से कम इतनी दूरी तो बना लीजिए कि उसको ये तो लगे कि उसके माँ बाप यशोदा के साथ साथ उसके अपने भी माँ बाप। तो है ना, हम हैं इसके माँ बाप, छोड़ थोड़ी दिया इसे, इसका दुख समझते हैं हम, दिखता है हमें, लेकिन दुख दिखाने के लिए यशोदा से दूरी की क्या जरूरत है? अपने दुख को यशोदा की नफरत से ढकने की बजाय ये समझ लो कि यशोदा ने रणधीर के इल्जामों से अपने आप को बाहर निकाला है, तो वो इस इल्जाम से भी अपने आप को निर्दोष साबित करेगी। जब करेगी तब देख लेंगे, फिलहाल
हमें ये जानना है कि आप दोनों ने क्या फैसला किया है। क्या फैसला? कौन सा फैसला? हम यशोदा के यहाँ जा रहे थे और वहीं जाएंगे। और जब हमारे पति नंगे पैर जा रहे हैं तो इस दुख में उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी, हम भी नंगे पैर जाएंगे। नहीं मालती, तुम नंगे पैर क्यों जाओगी? बिल्कुल नहीं। अरे एक बेटा चाहता है कि उसका बाप तकलीफ सहे, लेकिन पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए तकलीफ सहे। बेटे की ऐसी हरकतों से और तकलीफ क्या होगी हमें मालती? ये लो, इसे रख लो। इसे देने की दो वजह है। पहली वजह ये कि हमने तुम्हारा कप तोड़ा, तो उसके पैसे तो तुम्हें मिलने चाहिए। और दूसरी वजह, अगर हम ये पैसे लेकर गए तो तुम्हें लगेगा कि बुड्ढा कहीं चप्पल ना सिलवा ले, और हमें दुखी करने की तुम्हारी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाए। इसलिए हम खाली हाथ ही जाएंगे, ताकि तुम्हें तसल्ली बनी रहे कि हमें दुख पहुंचाने में तुम पूरी तरह से कामयाब रहे। और हां, ये चप्पल अपने हाथ में पकड़कर लेकर जाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि जिस बेटे के पैर हम जमीन पर नहीं पड़ने देते थे, जिसे अपने कंधों पर उठाकर दिन रात घूमते रहे, आज उसी बेटे ने अपने बाप के पैर से उसकी चप्पलें छीन ली। भाऊ जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या चाहते हैं आप? कि आप चप्पल लेके बाहर निकले और चार लोग आपसे ये पूछे कि गुप्ता जी हाथ में चप्पल लेकर क्यों जा रहे हैं, फिर आप अपने बेटे की बुराई करके उनकी सहानुभूति बटोर सके? नहीं दामाद जी, हमारी आदत नहीं है आपकी तरह कहीं भी कुछ भी बोलने की। हाँ, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि गुप्ता जी नंगे पैर हाथ में चप्पल लिए कहाँ जा रहे हैं, कह देंगे चप्पल टूट गई है, उसे सिलवाने जा रहे हैं। अब उसे थोड़ी ना पता है कि हमारे तलवे में दर्द रहता है। और हम भी बेटा इसे ऐसे हाथ में पकड़ कर यूं आंचल में छुपा कर ले जाएंगे, ताकि तुम रिश्तों को समझ सको कि रिश्तों में जब किसी एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को उसकी तकलीफ समझनी चाहिए, उसकी उस तकलीफ में उसका साथ देना चाहिए। और अभी यशोदा बहुत तकलीफ में है, लेकिन तुम उसकी तकलीफ समझनी तो दूर, उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहे हो। कृष्णा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे बाबूजी सब तकलीफ में हैं, लेकिन तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं। तुम्हें तो बस अपनी जिद और अपना दुख दिखाई दे रहा है और किसी को कुछ नहीं। अफसोस कि हम तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए। अफसोस करना है तो अफसोस कीजिए कि आप हमारी मां होकर, हमारे दुख में ना शामिल होकर उस यशोदा की फिक्र कर रही हैं। जाइए जाइए।
कल को जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा अरविंद, और भगवान ना करे तुम्हें ये दिन देखने पड़े, तब तुम्हारी समझ में आएगा क्यों यूं चप्पल हाथ में लेकर नंगे पैर घर से बाहर निकलना कोई नौटंकी नहीं थी, तुम्हारे माँ बाप की मजबूरी थी, उनकी बेबसी थी और इस उम्र में उनकी लाचारी थी। अरे भैया तुम इन लोग की बकवास पे ज्यादा ध्यान मत दो, समझे? मम्मा की तो आदत ही ऐसे बनाने की। अब एक बात बताओ, अगर माँ बाप इनकी तरीके के हों हैं और बेटा अगर अपने हक के लिए जरा सी सख्ती कर रहा है तो कौन सी गलत बात कर रहा है, बोलो? यही लिए तुमसे हम कह रहे हैं, समझे? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, है? पर तुमको इनके जैसा बाप नहीं बनना है, तुमको अपने बेटे सोनू के लिए एक आदर्शवादी बाप बनना है जो हर हाल में अपने बेटे का साथ देता है। और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, बस यशोदा से तुम उसका हिसाब ले रहे हो, बस। हिसाब तो हमें तुम्हारे पापा से लेना है, लेकिन वो तो आए ही नहीं, इतने बुजदिल हैं, सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है उनमें। सबके सामने आते, सबके सवालों का जवाब देते तो हम सब भी तसल्ली से जी पाते ना। हाँ तो तुम दोनों सोच समझ कर अब मुझे जवाब दो कि दोषी कृष्णा है या तुम्हारे पापा। मैं यही बैठी हूं, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूं। मैडम जी जाने दीजिए ना, ये दोनों अभी छोटी हैं, इन्हें समझ नहीं आएगा कि गलती किसकी है। तो इन्हें समझना होगा। इन्हें अभी समझना होगा कि इनके पापा अब घर लौटकर कभी नहीं आएंगे। और अपने पापा के जाने का सही कारण भी इन्हें मानना ही होगा। हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनकी गलती मानना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने पापा के जाने के लिए ये तुम्हें दोषी नहीं मान सकती है, तुम पे गुस्सा नहीं निकाल सकती है। मैडम जी, ये दोनों मेरी बहनें हैं, अगर मुझ पर गुस्सा नहीं निकालेंगी तो और किस पर निकालेंगी? अब बाहर चाय की दुकान पर कोई नहीं है, अब जाइए और मुझे मेरी बहनों के साथ रहने दीजिए। तुम्हें ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है और हमें प्रोटेक्ट भी मत करो। मम्मी, आपको जवाब चाहिए था ना, मैं देती हूं जवाब। हाँ दो। गलती अगर कृष्णा की नहीं है तो हमारे पापा की भी नहीं है, गलती है कृष्णा की माँ की और आपकी। ना ही उन्हें इसे लाना चाहिए था और ना ही आपको इसे अपनाना चाहिए था, इसलिए दोषी सिर्फ कृष्णा की पहली माँ और दूसरी माँ। नूपुर, तुम बताओ, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है?
नहीं मम्मी, अगर कृष्णा भैया की मम्मी उन्हें यहाँ नहीं लाती तो वो कहाँ जाते? मम्मी और पापा नहीं आएंगे? नहीं आएंगे क्या पापा? जब तक कृष्णा इस घर में रहेगा हमारे पापा नहीं आएंगे नूपुर। मम्मी मुझे नहीं पता किसकी गलती और किसकी नहीं, मुझे बस पापा चाहिए, पापा चाहिए मुझे। तुम्हारे पापा वापस आए ना आए उनकी मर्जी, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम बच्चों के साथ हमेशा रहेगी, हमेशा। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत 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 प्यार करेगी, पापा के बदले का भी प्यार करेगी। पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। और रही बात इस भैया की, तो तुम तो जानती हो ना अच्छी तरह से उन्हें कितनी फिक्र है हमारी, कितना प्यार करते हैं हमसे। हमारे पापा नहीं आएंगे नूपुर। कृष्णा बेटा मत रो, सही कहा आपने, इस घर में और दो बहने रो रही हो, बाप घर छोड़कर भाग गया तो उस घर के बड़े बेटे को रोना नहीं चाहिए, बल्कि सबके आंसू पोंछकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसलिए अब मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। उस्ताद जी मैं दूध लेकर आता हूँ। सब सही करना होगा मुझे, हर हाल में करना होगा। आज के बाद आप लोगों को खाना कपड़ा जूता चप्पल दवा पानी हमारी मर्जी से मिलेगा। आपके तलवों का इलाज चल रहा है ना, नंगे पैर ज्यादा दूर तक चल नहीं सकते। अशोक के बाबूजी, ठीक है? चलिए। मालती तुम क्यों नंगे पैर चल रही हो, तुम तो चप्पल पहन लो। नहीं हम भी नहीं पहनेंगे,
जब आप इतने दर्द में नंगे पैर चल सकते हैं, तो आपकी पत्नी होकर हम इस दर्द में आपका साथ नहीं दे सकते। मालती, ये क्या बचपना है, क्यों जिद कर रही हो? चलो चप्पल पहन लो। नहीं, हम नहीं पहनेंगे। हमने कहा ना चप्पल पहनो। अब आप इसे हमारी जिद समझे या पागलपन या आपके प्रति हमारा प्रेम, हम ऐसे ही चलेंगे। चलिए। बड़े मालिक, बड़ी मालकिन। आप ऐसे हाथ में चप्पल लिए क्यों चल रहे हैं?